हेलो गाइस, आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ रेडमी नोट 4 के MIUI NSE का न्यू अपडेट जो कि फर्स्ट बिल्ड यहाँ पे आ गया है रेडमी नोट 4 के लिए। और यहाँ पे हम बात करेंगे क्या कुछ न्यू फीचर्स देखने को मिलता है, क्योंकि आपको कस्टमाइजेशन यहाँ पे काफ़ी सारी मिलने वाली है यहाँ पे, और साथ साथ गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी है, डेली लाइफ के लिए आप यूज़ कर सकते हो कि नहीं, और कौन कौन से बग्स आते हैं, और N22 बेंचमार्क स्कोर कैसा देखने को मिलता है, और बाकी सारी चीज़ें गेम प्ले भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, और साथ साथ इंस्टॉलेशन भी है। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि कंप्लीट वीडियो है हर एक फीचर्स के बारे में। डिटेल्स में मैं आपको बताया हूँ कि इस फीचर्स का मतलब क्या है, इस फीचर्स में होता क्या है, सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। पूरी वीडियो ज़रूर देखना, और अगर आप नहीं आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर लें, ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए हम यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अबाउट फ़ोन में, और यहाँ पे चलते हैं हम, मेंटेनर नेम भी आपको यहीं पे मिल जाता है, और ऑल स्पेक्स के अंदर अगर हम चलते हैं तो एंड्रॉइड 10 हमें देखने को यहाँ पे मिल जाता है, और सिक्योरिटी पैच 5 अगस्त 2020 की मिलती है, और वर्जन जो है MIUI का MIUI NSE का 12.2.3 यहाँ पे अनऑफिशियल देखने को मिलता है, बाकी कर्नल एथरियल का 29.0 जो है हमें देखने को मिल जाता है। कंट्रोल सेंटर की अगर हम बात करें तो कंट्रोल सेंटर यहाँ पे कुछ स्मूथ आपको मिल जाता है, और बाकी यहाँ पे आपको टॉगल जो है FPS इन्फो एंड CPU बूस्ट, ये सारे जो है Xiaomi पार्ट्स के ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। MI साउंड का भी मिल जाता है, बाकी लैंडस्केप पे आपको जो है न्यू व्यू वाला भी जो है मिल जाता है, और टॉर्च आपकी येलो यहाँ पे जलती है। ये सारी चीज़ें आप FPS देख सकते हो जो कि वर्किंग है। बाकी वॉल्यूम पैनल कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलने वाला है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड पावर मेन्यू में आपको रिकवरी एंड फास्ट बूट मिल जाता है देखने को। रीसेंट की बात करें तो रीसेंट भी हमारा जो है स्मूथ है फिलहाल, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं, आपको बीच बीच में जो है लैगिंग भी देखने को थोड़ी सी मिल जाती है। और बात करते हैं यहाँ पे हमारा जो रैम मैनेजमेंट है 1.7 GB 4 GB जो है बचता है। बाकी यहाँ पे हम बात करते हैं कॉल की, कॉल करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको UI देखने को मिलने वाली है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इसकी भी कस्टमाइजेशन है। तो हम चलेंगे सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको एडवांस सेटिंग में जाना है, और यहाँ पे आने के बाद आपका जो है ये आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे सारे के सारे आपको ब्लैक देखने को मिलते हैं, सबको आपको यहाँ पे कर देना है वाइट में। तो सबको आपको यहाँ पे वाइट कर देना, उसके बाद जब आप कॉल करोगे तो ये जो है आपका बिल्कुल परफेक्ट अच्छे तरीके से जो है कॉल की UI जो है देखने को मिलेगी, जैसे कि आप देख सकते हो। बाकी यहाँ पे आपका ब्लूटूथ कॉल ऑडियो जो है काम नहीं करता, बाकी वीडियो कॉलिंग भी काम नहीं करता, वोल्ट ही काम करता है, और कॉल रिकॉर्डिंग भी जो है आप यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से कर पाओगे, तो इसमें आपको दिक्कत देखने को फिलहाल नहीं मिलता है। और गैलरी की अगर हम बात करते हैं तो एडिट में जैसे चलते हैं तो यहाँ पे हमें फ़िल्टर देखने को मिल जाता है मूवी तक, बाकी यहाँ पे स्काई देखने को नहीं मिलता, बाकी प्ले स्टोर हमारा सर्टिफाइड है जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पे बात करते हैं टूल्स में तो FM हमारा वर्किंग है बिल्कुल अच्छे तरीके से, तो FM जो है आप यहाँ पे यूज़ कर पाओगे। बाकी यहाँ पे हमारा जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है ये है 60 FPS इंटरनल साउंड के साथ जो है आप रिकॉर्ड कर पाओगे यहाँ पे। बाकी अगर हम बात करते हैं MIUI के कैमरे की तो पोर्ट्रेट मोड हमारा काम नहीं करता है यहाँ पे। बाकी वीडियो क्वालिटी की अगर हम बात करें तो वीडियो क्वालिटी जो है हमारी यहाँ पे 1080 30 FPS तक जो है देखने को मिलती है, और साथ साथ स्लो मोशन भी आप रिकॉर्ड कर पाओगे, तो स्लो मोशन जो है यहाँ पे आप रिकॉर्ड कर पाओगे 1080 120 FPS पे और 720 120 FPS पे। एंड बात करते हैं GCam की तो GCam हमारा 7.4 जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पे काम कर रहा था, इसमें आप पोर्ट्रेट मोड भी जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लिक कर पाओगे, तो इसमें हमें दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। बाकी यहाँ पे हमारा जो है मैजिक मैनेजर भी आपका प्री इंस्टॉल मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डोरेमोन एडिशन, और बाकी सेफ्टी नेट भी हमें देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे हम बात करते हैं कैलेंडर की तो बाकी सारे एप्लीकेशन जो है आपके लेटेस्ट ही मिलते हैं, एनिमेशन आप देख सकते हो बिल्कुल स्मूथ है, तो यहाँ पे जो है आपको ये सारे लेटेस्ट ही मिलते हैं। बाकी बैंकिंग ऐप की बात करें, कुछ बैंकिंग ऐप आपके यहाँ पे काम करते हैं कुछ नहीं काम करते, तो उसके लिए आपको जो काम नहीं करते तो मैजिक मैनेजर आपको मिल जाता है, वहाँ से आप हाइड करके रीनेम करके जो है यूज़ कर सकते हो, GPO वैसे आपका यहाँ पे काम कर रहा है। बाकी यहाँ पे हम सेटिंग में चलते हैं तो हॉटस्पॉट हमारा काम कर रहा है, बाकी कास्ट भी वर्किंग है जैसे कि आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे चलते हैं लॉक स्क्रीन में तो यहाँ पे आपको जो है डबल टैप टू बैक ऑप्शन देखने को नहीं मिलता और वो हमारा काम नहीं करता है। बाकी वॉलपेपर कर्सर क्लॉक फॉर्मेट ये सारे मिल जाता है, चार्जिंग एनिमेशन जो है आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी यहाँ पे सेक जेस्चर जो है चार्जिंग एनिमेशन डिफॉल्ट आपको मिलने वाला है जो आप देख सकते हो, बाकी और नहीं मिलते हैं। एंड डिस्प्ले सेटिंग में आपको चलते हैं तो डिस्प्ले सेटिंग में रीडिंग मोड काम कर रहा है हमारा, कलर काम कर रहा है एंटी जो कि एंटी फ्लिक मोड मिल जाता है, बाकी डार्क मोड हमारा जो है ग्लोबल डार्क मोड भी मिल जाता है इसके अंदर जो कि काम कर रहा था। ऊपर हमें कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलती। कंट्रोल सेंटर में अगर चलते हैं तो कंट्रोल सेंटर के अंदर आपको व्यू मिल जाता है, जो कि कंट्रोल सेंटर साइड चेंज कर सकते हो, यानी यहाँ पे एक्शन बटन जो कि मोबाइल डाटा का आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। बाकी यहाँ पे टाइल एनिमेशन देखने को मिल जाता है, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। और नीचे ये तो हमें पहले भी मिलते थे बाकी रोम्स में, तो आपको ये सब के बारे में पता होगा। बाकी नेटवर्क टाइप इन स्टेटस बार भी मिल जाता है,
ये सारी चीज़ों के बारे में, एंड स्विच वन लाइन हो गया, ये सारी चीज़ें, हाइड आइकन्स मिल जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो कलर जो कि दिया गया है, ये वाला हमारा जो दिया गया सेक्शन के लिए फॉन्ट और कलर, इससे आपका होगा क्या कि जो फॉन्ट्स हैं, अगर आप फॉन्ट्स चेंज करोगे तो आपका ये टॉगल्स के लिए है, तो आपका जो टॉगल्स का कलर एंड फॉन्ट जो है आप यहाँ पे चेंज कर पाओगे। तो ये है आपको यहाँ पे दिया गया है, तो ये आप यहाँ से टेक्स्ट कलर एंड फॉन्ट स्टाइल चेंज कर पाओगे। बाकी यहाँ पे आप कुछ जो कि परसेंटेज है उसको बढ़ा सकते हो, साइज उसका जो है क्लॉक को बढ़ा सकते हो, एंड नेटवर्क स्पीड का जो साइज है उसको भी आप बढ़ा सकते हो। बाकी नीचे अगर हम देखेंगे आइकन कलर जो सेटिंग का दिया है, डार्क स्टेटस बार एंड लाइट स्टेटस बार, इससे होता क्या है, ये हमारा है यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो, ये है डार्क एंड लाइट वाला जो कि हमें देखने को मिलता है ये वाला सामने, तो नोटिफिकेशन में जो ओपन करने के बाद जो देखने को मिलता है उसका कलर चेंज कर पाओगे, और बाकी यहाँ पे जो हमें फ्रंट में ही देखने को मिल जाता है। बाकी ये हमारे नोटिफिकेशन के लिए दिया गया है, तो जैसे कि नोटिफिकेशन में आपका टाइम हो गया, नोटिफिकेशन की में जो टाइम दिखाता है, नाउ लिखा हुआ है, इस तरीके से जो देखने को मिलता है वो सारी चीज़ों का जो कलर आप चेंज कर पाओगे। बाकी नीचे हमें देखने को मिलता है यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो कि नोटिफिकेशन का ही बैकग्राउंड कलर है, तो नोटिफिकेशन का बैकग्राउंड कलर अपने हिसाब से कर सकते हो, फिलहाल मैं वाइट कर दिया हूँ जैसे डिफॉल्ट मिलता है। बाकी यहाँ पे आउटलाइन हमें जो है बैकग्राउंड की जो है साइड में आपको आउटलाइन ब्लैक रखना है या येलो रखना, जो भी रखना आप यहाँ से रख सकते हो, फिलहाल मैं तीनों ही वाइट कर रखा हूँ, और यहाँ पे जो है सारी चीज़ें ब्लैक में आपको डिफॉल्ट मिलती है। बाकी यहाँ पे एनिमेशन जो है स्क्रीन ऑफ का मिल जाता है जो कि आप चेंज कर सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी सारे आपको मिल जाते हैं। और बात करें यहाँ पे पॉपअप एनिमेशन से आपका क्या होगा कि पॉपअप एनिमेशन, जैसे कि मैं ये क्लियर किया, अब यहाँ पे आपको पॉपअप एनिमेशन जैसे क्लियर का देखने को मिलता है, रैम क्लियर होता है उसका पॉपअप एनिमेशन आता है, उसको आप चेंज कर सकते हो। तो आप देख सकते हो ये जो है एनिमेशन अभी चेंज हो चुका है, बाकी कलर भी आप जो है यहाँ से चेंज कर सकते हो, तो आपको ये भी ऑप्शन मिल जाता है। बाकी एनिमेशन मैट्रिक जो कि दिया गया है, तो ये हमारा रिसेंट पे देखने को मिलता है, तो फिलहाल ये जो है काम नहीं करा यहाँ पे। इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट साइज भी, तो सारी चीज़ें, तो ये आपका रिसेंट पे है, तो बाकी यहाँ पे ये काम नहीं करा अभी फिलहाल। बाकी यहाँ पे साउंड के अंदर अगर हम चलते हैं, तो साउंड के अंदर बाकी सारी चीज़ें तो आपको सेम ही मिलने वाली जैसे कि बाकी रोम्स में आपको देखने को मिल जाता है। एंड साउंड इनहेंसर जो कि यहाँ पे दिया गया वो काम अभी फिलहाल नहीं कर रहा है। एंड नीचे आपको वॉल्यूम बार पोजीशन मिल जाता है, और साथ साथ यहाँ पे जो है एक्सपेंडेड आप पैनल्स जो है आप यहाँ पे चेंज कर पाएंगे। बाकी यहाँ पे होम स्क्रीन के अंदर चलते हैं, तो यहाँ पे ब्लर फोल्डर मिल जाता है जो कि, एंड बॉटम सर्च बार देखने को मिल जाता है, एंड डबल टैप एंड स्वाइप अप जो कि आप होम स्क्रीन पे लगा सकते हो, एंड टेक्स्ट स्टाइल जो कि आपको दिया गया, तो यहाँ पे भी आप जो है अपने आइकन के टेक्स्ट को हो गया यहाँ पे बड़ा छोटा जो भी है साइज आप घटा बढ़ा सकते हो, एंड कलर चेंज कर सकते हो अपने आइकन्स के। ये है जो कि बेसिक सेटिंग से आपका चेंज होगा आपके आइकन्स की सेटिंग्स है ये यहाँ पे। बाकी यहाँ पे हमारा जो है रोटेटिंग जो कि दिया गया है यहाँ पे थंबनेल, ये हमारा यहाँ पे रिसेंट है जो कि रोटेट होता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो है ये काम नहीं कर रहा है अभी, तो जैसे कि आप देख सकते हो ये जो है वर्किंग नहीं है अभी फिलहाल। एंड वॉलपेपर्स के अंदर अगर हम चलते हैं, तो यहाँ पे वॉलपेपर्स आपको सिस्टम में सारे वॉलपेपर्स हैं MIUI 12 के मिल जाते हैं, एंड यहाँ पे सुपर वॉलपेपर भी मिल जाता है, लेकिन सुपर वॉलपेपर का APK आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो इंस्टॉल कर लेना। बाकी सुपर वॉलपेपर आप यूज़ ना करो तो बेटर ही है, क्योंकि यहाँ पे जो है लैगिंग आपको देखने को मिल जाती है सुपर वॉलपेपर यूज़ करने के बाद। बाकी थीम्स में आपको फिलहाल इस तरीके से दो थीम्स मिल जाते हैं, डिफॉल्ट एंड नीचे आपको फाइंड मोर मिल जाएगा। बाकी थीम स्टोर जो है हमारा यहाँ पे इंग्लिश में देखने को मिलता है, और यहाँ पे सेटिंग्स में आने के बाद फ्रंट हमारा जो है फिक्स है डार्क मोड पे। बाकी यहाँ पे थीम कंपोनेंट के अंदर फ्रंट एंड रिंगटोन मिल जाता है नीचे, एंड यहाँ पे थीम लैब के अंदर हमारा ट्रांसपेरेंट वॉलपेपर एंड वॉलपेपर साइड से मिल जाता है। बाकी अगर बात करते हैं सिक्योरिटी की, तो यहाँ पे जो है फेस अनलॉक आपका बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है, इसमें आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलता है, लेकिन हमारा जो फिंगरप्रिंट है वो यहाँ पे काम नहीं करता है गुडएक्स के यूज़र के लिए। बाकी फेस अनलॉक आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है, एंड यहाँ पे हमारा फिंगरप्रिंट जो है ये काम नहीं करने वाला गुडएक्स यूज़र को। तो जैसे कि आप देख सकते हो मेरा भी गुडिक्स ही डिवाइस है, यहाँ पे जो है काम नहीं करा आप देख सकते हो। बाकी यहाँ पे फिंगरप्रिंट अनलॉक आफ्टर रिबूट दिया गया है जो कि हमारा तो काम का नहीं है अभी के लिए फिलहाल। बाकी यहाँ पे हम बात करते हैं बैटरी परफॉर्मेंस की, तो बैटरी बैकअप जो है थोड़ा सा मुझे ड्रेन होता हुआ यहाँ पे दिखा इस अपडेट में इस बिल्ड में अभी फिलहाल, तो यहाँ पे उतना ज़्यादा खास बैटरी बैकअप फिलहाल मुझे देखने को नहीं मिला है। बाकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ऐप्स के अंदर, तो डुअल ऐप हमारा वर्किंग है, ऐप लॉक मिल जाता है। बाकी एडिशनल सेटिंग में अगर हम चलते हैं, तो लैंग्वेज यहाँ पे जो है ऐड की गई है, तो लैंग्वेज जो है हमारे देखने को मिल जाती है, इंडोनेशियन लैंग्वेज भी देखने को मिल जाती है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं। बाकी ये सारी लैंग्वेज हैं जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फुल स्क्रीन डिस्प्ले की, तो यहाँ पे जो जेस्चर है हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो जेस्चर में फिलहाल दिक्कत देखने को नहीं मिलता है, बस इसमें दिक्कत देखने को मिलेगा तो इसके एनिमेशन में। तो जेस्चर जो है आप जैसे कि कोई भी स्वाइप अप करोगे तो उसमें जो है एनिमेशन लैग देखने को आपको मिलता है अभी फिलहाल। बाकी बटन भी हमारा जो है काम कर रहा है। बाकी यहाँ पे जो इंडिकेटर इसका देखने को मिलता है जैसे कि एंड्रॉइड 10 का, वो भी आप इनेबल डिसेबल यहाँ से कर सकते हो, तो फिलहाल मैं डिसेबल करके रखा था, अभी मैं इनेबल कर दूँ, आप देख सकते हो इसको जो है इनेबल डिसेबल आप यहाँ से कर सकते हो।
ये जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करा। बाकी बटन शॉर्टकट के अंदर जो है आपके यहाँ पे थ्री फिंगर होल्ड स्क्रीनशॉट जो है ये सारे डिसेबल रहते हैं, तो आप इनको इनेबल कर लेना। बाकी भी और काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। एंड यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे नोटिफिकेशन लाइट काम कर रही है हमारी बिल्कुल अच्छे तरीके से, एसेबिलिटी मिल जाता है जैसे कि आप देख सकते हो, तो ये लेटेस्ट बिल्कुल देखने को मिलने वाला है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे नीचे डेवलपर ऑप्शन आपको सेटिंग से इनेबल करना पड़ता है। बाकी यहाँ पे हमारा जो है स्क्रीन टाइम मिल जाता है एंड साथ साथ फोकस मोड भी। और स्पेशल फीचर्स के अंदर अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे गेम टर्बो जो है लेटेस्ट वाला हमें देखने को मिलने वाला है। तो जैसे कि आप देख सकते हो एडिशनल सेटिंग्स हमें मिल जाती है, जिसके अंदर टच रिस्पॉन्स हो गया, सेंसिविटी हो गई एंड इनहेंस विजुअल्स हो गया, ये सारी चीज़ें जो है आप चेंज कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको वीडियो टूल वो फ्लोटिंग विंडो ये सारी चीज़ें जो है आपको देखने को मिल जाती है। एंड बैक करते हैं तो यहाँ पे आपको अकाउंट सेटिंग्स देखने को मिलती है। और यहाँ पे अगर हम दिखा दें टॉर्च, आप देख सकते हो ये येलो ही यहाँ पे जलती है। और बाकी यहाँ पे इसका जो है हार्डवेयर बटन लाइट जो है अभी फिलहाल काम नहीं कर रहा है। और कीबोर्ड जो है आपको यहाँ पे गूगल की देखने को मिलती थी, काफ़ी अच्छी बात है, गूगल का आपको मिल जाता है। बाकी एंटूटू बेंचमार्क स्कोर की बात करें तो 87,575 हमें यहाँ पे एंटूटू बेंचमार्क स्कोर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे हम बात करते हैं जो कि लैंडस्केप पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे कंट्रोल सेंटर जो है कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे हम बात करते हैं पबजी की, तो यहाँ पे जो है हमारा गेम टर्बो टेक्स्ट आइकन्स पे नेम देखने को मिल जाता है। और अगर हम बात करते हैं ग्राफिक की, तो ग्राफिक जो है हमें यहाँ बैलेंस पे मीडियम एंड स्मूथ पे हाई फ्रेम रेट तक देखने को मिल जाता है। और पबजी की अगर बात करें तो पबजी में आपको लैगिंग देखने को मिलने वाली है यहाँ पे। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर आप पबजी खेलते हो तो पबजी में आपको लैगिंग देखने को मिलेगी और टच रिस्पॉन्स हल्का सा स्लो आपको देखने को मिलने वाला है। इसमें आपको पबजी अगर आप खेलोगे तो क्लासिक क्लासिक खेलोगे तो आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मैं सारे गेम्स में आपको क्लासिक ही खेल के दिखाता हूँ। जितनी भी वीडियोस मैं बनाता हूँ सब में आपको क्लासिक ही खेल के दिखाता हूँ। और आप यहाँ पे देख सकते हो सोलो वर्सेस ड्यूल्स, कभी सोलो वर्सेस स्क्वाड, ये सारे ही खेलता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि कौन से रोम्स में लैगिंग देखने को मिलती है या नहीं देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे मैं खेला हूँ तो मैं आपको बता दूँ, तो यहाँ पे जो है लैगिंग मुझे देखने को मिली है। अब यहीं पे आप देखना कि जैसे कि यहाँ पे मेरा जो है लैग हुआ है, और यहाँ पे टच रिस्पॉन्स इसका काफ़ी स्लो हो गया था और काम नहीं करता उतना फास्ट जो है, जैसे मैं यहाँ पे मूवमेंट कर रहा था उस तरीके से जो है काम नहीं कर रहा था। लैगिंग भी आपको पता चल रही होगी यहाँ पे, जो लैगिंग है फिलहाल यहाँ पे आपको देखने को अभी मिलती इस बिल्ड में। तो फिलहाल अभी अगर मैं बात करूँ तो अभी के लिए जो है डेली लाइफ के लिए तो मेरी तरफ से जो है अभी फिलहाल आप यूज़ मत करो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपको अभी फिलहाल कुछ बग्स भी देखने को मिल जाते हैं जो कि डेली लाइफ में आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं अभी फिलहाल के लिए। तो आप जो है यहाँ पे यूज़ मत करो, क्योंकि अगर आप गेम खेलते हो तो आपको फिलहाल और भी ज़्यादा दिक्कत देगी। बाकी यहाँ पे ऐसे अगर आप यूज़ करना चाहते, इंजॉय करना चाहते हो तो इस रोम पे आके फीचर्स इसके आप इंजॉय कर सकते हो, क्योंकि फीचर्स के मामले में काफ़ी जबरदस्त फीचर्स भी यहाँ पे मिल जाता है। बाकी एक को तो बोट की तरह यहाँ पे एक्टिंग करके मारा था इसको, आप देख सकते हो यहाँ पे जो कि आया था बेचारा, तो इस तरीके से जो है यहाँ पे। बाकी तो यहाँ पे आप जो है गेम के लिए फिलहाल अभी दिक्कत देता है। और बाकी हम बात करते हैं इंस्टॉलेशन के बारे में कि किस तरीके से जो है आप इस रोम को इंस्टॉल कर पाओगे। अगर कुछ मिस हुआ तो कमेंट में आप ज़रूर पूछ लेना, तो मैं आपको बता दूंगा। वैसे मैं जो भी फीचर्स थे आपको बता ही दिया हूँ, अगर कुछ मिस हुआ तो फिर भी आप पूछ सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। और आगे हम बात करते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से जो है इसे इंस्टॉल करते हैं, तो चलिए हम यहाँ पे इंस्टॉलेशन भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको रोम डाउनलोड करके रख लेना, तो सिर्फ रोम आपको डाउनलोड करके रख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा यहाँ पे। तो उसके बाद आपको चलना है अपने रिकवरी में, तो यहाँ पे ऑरेंज फॉक्स की लेटेस्ट रिकवरी या फिर TWRP की लेटेस्ट यूज़ करना, और यहाँ पे वाइप पे जाना है और डॉल्विक सिस्टम डेटा वेंडर कैच एंड इन पांचों को आपको जो है स्वाइप टू वाइप यहाँ पे कर देना, जैसे कि बाकी रोम फ्लश कर तो उसी तरीके से फ्लश करना है। यहाँ पे कोई अलग मेथड आपको नहीं देखने को मिलता, सेम ही है। और सिंपली ये वाइप करने के बाद आपको डाउनलोड फोल्डर में जाना अपने, जहाँ भी आपने रोम डाउनलोड करके रखा है वो सेलेक्ट करना और फ्लश कर देना है। तो 1 से 2 मिनट जो भी लगेगा वेट कर लेना, उसके बाद रोम फ्लश होने के बाद वाइप कैच करना है एंड यहाँ पे आपको रिबूट कर देना है इसको, यहाँ पे रिबूट सिस्टम पे क्लिक करके रिबूट कर लेना है। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा MI लोगो पे जो है 2 बार बूट होगा, तो आपको यहाँ पे टेंशन नहीं लेना। यहाँ पे वीडियो थोड़ा मैं फास्ट कर दे रहा हूँ। बाकी इसका जो बूट एनिमेशन है कुछ इस तरीके से आपको बूट एनिमेशन देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी फिलहाल, तो इस तरीके से जो है आपको बूट एनिमेशन भी मिल जाता है यहाँ पे। बाकी फ़ोन ऑन होने के बाद आपका MI अकाउंट अगर आप यूज़ करते हो तो अपना MI अकाउंट डाल के अनलॉक कर लेना। बाकी आपको सेटअप कंप्लीट करके जो है कर लेना। बाकी यहाँ पे रिस्टोर आइटम आएगा तो इसको नोट नाउ कर देना, इसके नोटिफिकेशन को भी जो है डिसेबल कर देना, नहीं तो ये बार बार आपको परेशान करता रहेगा फिलहाल। और रिस्टोर करोगे भी तो रिस्टोर होता भी नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत करता है, तो इसको जो है आप यहाँ पे डिसेबल कर देना। बाकी आप देख सकते हो पूरा नोटिफिकेशन ब्लैक ब्लैक अभी देखने को मिल रहा है, तो इस तरीके से जो है देखने को ये मिलता है डिफ़ॉल्ट में। तो यही सारी चीज़ थी यहाँ पे इस वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।